नमस्कारम। डिप्रेशन की सीरीज चल रही है लगातार, आप रेगुलर देख रहे हैं, तरह तरह की मैं उसमें चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो आज मैं इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ जी, कई लोगों को डिप्रेशन की वजह से या दिमागी असंतुलन की वजह से उनको डर लगता है, डर लगता है हर छोटी छोटी चीज़ से। कईयों को डर लगता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, किसी किसी को डर लगता है कि कुछ बीमारी ना घर में आ जाए, किसी की मौत ना हो जाए, बेफजूल, जिसका कोई तुक नहीं है, सारे ठीक हैं, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। पर ऐसे ही लगेगा कि कोई बच्चा, कोई कोई घर का सदस्य बाहर गया है, वो ठीक तो है कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे डर आते रहते हैं। और फिर ऐसे कई बार कईयों को मरने का डर, कि किसी की डेथ की खबर सुन ली तो घबराहट हो जाना, मन परेशान हो जाना, असंतुलित हो जाना, डर जाना, सहम जाना। कोई शमशान घाट से कई लोग गुजरते हैं, पास से नहीं गुजर सकते क्योंकि उनको कुछ हो जाता है, ऐसी मतलब मन भागता है। तो कई लोग फ्रेंड्स में जाके खुश होते हैं, घर आके डर लगता है। कई लोग घर में अंदर घुस के रहना खुश होते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको ऑफिस में अपने काम में डर लगता है। तो ये जो डर लगना है ना, हालांकि ये प्रॉब्लम के लिए मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार भी थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार सजेस्ट करने से पहले मैं इस पे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, अपनी सलाह देना चाहूँगा आपको कि ये होता क्यों है, और इसको अगर हम दवाई के स्तर पे ना ले जा करके कुछ अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें कर ली जाएं कि जिससे ये डर निकल जाए तो क्या ये अच्छा नहीं है। तो मैं इसी फियर पे ही बात करूंगा आज ज़्यादातर घूम घुमा के, क्योंकि मेरे पास जितने केसेस आते हैं मैं उनके एनालिसिस के आधार पे बोल रहा हूँ कि डर कोई भी चीज़ का क्यों ना हो, वो ऐसे ही नहीं आता माइंड में। चाहे कोई भी डर है, उसके पीछे कहानी होती है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, एक लेडी आई मुझे बताया कि मेरे को अब डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। मैंने फिर उसके पीछे उसकी स्टडी करी तो पता चला 2 बार वो डॉक्टर के पास गई थी तो केस गलत हो गया था। एक बार उसने दांत उसका ठीक करते करते तोड़ दिया था, एक बार ऐसे ही उसको दवाई ऐसी गलत लगा दी, ड्रिप लगा दी गलत, जिसकी वजह से उसको नील पड़ गए या उसकी हालत ख़राब हो गई। तो उसके साथ इंसिडेंट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या उसको हम ये कहें कि क्यों डरती है या ऐसा। उसके मन में डर है, ये उसके पीछे एक फैक्ट है। कई बार हम वो इंसिडेंट भूल चुके होते हैं, बस डर हमारे मन में होता है कि मेरे को इससे डर लग रहा है, इससे डर लग रहा है, हमें फिर कारण नहीं सूझता, हम उन चीज़ों पे काम करते हैं, वो ऊपर ऊपर से होगा। असल में उस पुरानी प्रॉब्लम को निकालना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। मेरे को बताते हैं कई, एक वही लेडीज ने मुझे कहा कि मुझे गुरुद्वारे जाने से डर लगने लग गया अब। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे में मैंने पूछा तो बताती है कि वहाँ जाके भी यही कहते हैं कि अगर आप भजन नहीं करते हो, सिमरन नहीं करते हो, तो ये गलत बात है, आपको पाप लगेगा, या मंदिरों में कई बार ऐसे कई जगह बोल देते हैं। उससे भी कहती मुझे नेगेटिविटी आती है, जहाँ कई बार एक 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 भाई मेरे पास आए, कहते कि मुझे कई बार मेरा नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कई लोगों की मैं वीडियो सुनता हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। वो कहते हैं अगर आप योग नहीं करते तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो भी एक कहते मेरे को डर लगने लग जाता है। कई लोग कहते हैं अगर आपने ये कर लिया है तो ये हो जाएगा, वो भी डर है। तो वो डर क्यों आए, उनका भी कारण है। दरअसल कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको पहले आई होगी, और जहाँ उन्होंने आमने सामने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में प्रॉब्लम देखी होंगी, तो उस प्रॉब्लम को देख करके वो इंसान थोड़ा सा उसके साथ आप बीती सी हो जाती है। तो वो डरता है, डरता इसलिए है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको, क्योंकि जो व्यक्ति तो अपने आप पे टाइम लगाता है, अब मान लो कोई व्यक्ति अपने ऊपर टाइम लगाता है, डेली 1 घंटा 2 घंटा योग करता है, और वो अपने वर्कआउट से अपनी रूटीन से सेटिस्फाइड है, तो वो तो डरेगा नहीं। जो बंदे अपनी रूटीन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है हाँ मैं चलाता नहीं हूँ शरीर को पूरा, हाँ चला इतना होता नहीं है मेरे से, वो उसको जब आप डराओगे कि भैया ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो तो डरेगा ही डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अंदर से कच्चा हूँ, मैंने अपने ऊपर इतना वर्क नहीं किया, अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं लगाई, वो डरेगा। इसी तरह डर के कई और रूप हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको देता हूँ, आपको और भी ज़्यादा इसमें, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है मैं आपको बताऊँगा ना, आप कई गुना ज़्यादा उसमें अटैच हो जाओगे, आपको, क्योंकि मैं समझाऊँगा अपने ढंग से। बचपन की बात है, हमारे घर में खाना
खाना बनाते बनाते मेरी माता जी खाना बनाती हैं, और बनाते बनाते चूल्हे के पास जो पाइप होती है गैस की, वहाँ थोड़ा सा क्रैक था। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी शायद ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे अचानक आग लग गई। आग थोड़ी बढ़ गई, आग की लपट इतनी बड़ी हो गई, थोड़ी हड़कंप सा हो गया। उन्होंने भी आवाज़ दी, मैंने भी बाहर भाग के देखा। छोटा मतलब जो भी एक दायरा था उसमें हम अपनी कोशिशें करी, मैंने भी गैस बंद किया, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारे। अब घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को सूझना बंद हो गया कि क्या करूं। छोटा था तो सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और फिर इधर उधर हाथ मारा, वो आग की लपट ने मेरे अंदर दहशत बना दी कि अब क्या होगा। अब मेरी माता जी सूझवान थी, उन्होंने समझदारी से काम लिया, उन्होंने गैस के मेन स्विच को बंद कर दिया, जिससे कि गैस बिल्कुल वो शांत हो गई। हालांकि मैंने भी उससे पहले मेन स्विच को हाथ डाला, लेकिन मेरी उस वक्त इतना घबराहट से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्विच पकड़ भी रहा था मैं, लेकिन मेरे से बंद नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ ने मेरे को थोड़ा डरा दिया। अब वो चीज़ हो गई, चलो हमने पाइप भी चेंज कर ली, सब कुछ हो गया, वक्त बीतता गया, लेकिन मेरे मन में वो डर नहीं जा रहा था। मेरे को भूल चुका था कि मैं उससे डर रहा हूँ, उस बात की वजह से डरता हूँ। बस मुझे ये था कि मुझे सिलेंडर से मुझे क्यों डर लगता है। मुझे छोटा मैं मान लो अगर घर से बाहर हूँ तो मुझे फ़ोन आना, बेल बजनी, मैंने देखना घर के किसी सदस्य का फ़ोन है, मैंने डर जाना कि शायद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सिलेंडर की वजह से डर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगना कुछ गलत तो नहीं हो गया घर में या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो मैंने उस फ़ोन के रिंग बजते ही डरने लग जाना, या कई बार ऐसा होना कि मैं कई बार गैस घर में चलाना तो थोड़ा बहुत एक एक 2 सेकंड 4 सेकंड लग जाते हैं कई बार चलाते चलाते, तो उसकी थोड़ी गंध आ जाती है। तो गंध आनी, तो मैंने ऊपर या नीचे कहीं भी हूँ अगर मैं डर जाता था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, दौड़ दौड़ के नीचे आता था। इतना ही नहीं, रात को भी कई बार उठ के चेक करता था कि कहीं किसी चूहे ने या किसी ने पाइप काट दी हो और ऐसा हो या कुछ हो जाए। फिर वो रिलेट करता रहता था कि कोई कई घरों में मैंने इंसिडेंट सुनने, अखबार में पढ़ने, सेम वैसे इंसिडेंट, और ज़्यादा मेरे को उसमें वो इंडल्ज कर देते थे, मेरे को वो चीज़ें सामने दिखने लग जानी। तो ये चीज़ें चलती रही वक्त के साथ, मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने अचानक इस चीज़ को रियलाइज़ किया, अपनी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे मेरी डेवलप हुई, तो मैंने सिलेंडर कैसे चलाया जाता है, सिलेंडर को ऑफ कैसे किया जाता है, जब ऐसे कभी कोई ऐसा थोड़ी बहुत हैपनिंग होने लगती है उसको कैसे रोका जाता है, इस सारी इसके ऊपर ट्रेनिंग ली। इसके ऊपर जो जानकार थे उनसे मिला, घर में एक व्यक्ति की विजिट करवाई, जिसको मैंने एनालिसिस करवाया कि आप चेक करके बताओ कि हमारा सिलेंडर गैस सब चीज़ें ठीक जगह पड़ी हैं, इनके ऊपर जो मटेरियल लगा है, पाइप लगी, ये सब ठीक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, इनमें खतरा कितना है कितना नहीं है, सारा एनालिसिस करा के उन्होंने हर चीज़ की जांच करी। और फिर मुझे उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि आपका गैस बिल्कुल ठीक है, आप इस ढंग से चलाओ। और मैंने ट्रेनिंग भी ले ली थी कि ये इस तरह से मैंने मैनेज करना है। तो करते करते वो अल्टीमेटली आप समझ जाओ कि मैं उस चीज़ से बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को उस चीज़ की समझ आ गई। अब वही मोबाइल है, वही चूल्हा है, वही घर का खाना है। मैंने अपनी फैमिली को भी अपने सिखा दिया सबको कि ऐसे ही गैस चलाना है, ऐसे ही मैनेज करना है, ये नियम है आपके। उनसे भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी अंडरस्टैंडिंग दिखाई कि हाँ हम अब ऐसे ही चलाएंगे, अब बिल्कुल अनगहली बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी। जब उस पर खुल के काम हुआ वो चीज़ मेरी निकल गई, और आज मुझे याद भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। बाकी फिर मालक पे भी भरोसा करना होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा, कि हम हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होता, उसके करने से होता है। तो अगर वो बैठा है हमारे सिर पर तो ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। अगर कुछ गलत दिख रहा है मुझे तो मेरे आँख का कसूर है, मुझे अपनी सोच बदलनी। कई बार हमारा नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब मान लो मेरे साथ भी कई लोग ठगी करके चले जाते हैं, कोई व्यक्ति मेरे पैसे या कुछ, हमारी जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही थी नंदम में, इसमें भी कई हमारे साथ ऐसे करके गए, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये इतने रुपए मैंने लॉस नहीं खाया, मैंने इतने रुपए से एक लेसन खरीदा है, एक लेसन माने एक सबक तो मिला है ना उस चीज़ से, तो मैंने सोच लेता हूँ कि मैंने सबक खरीदा है।
इतने रुपए का, जो कि बाजार में सबक मिलते नहीं है, ये सबक ऐसे लाइव मिलते हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे सोचता हूँ, मेरा वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव है। तो बस ये वे ऑफ थिंकिंग पे आपको काम करना है, अपने ऊपर पूरा पीछे रूट पे जाना है कि क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। शुरू शुरू में आपको नजर नहीं आएगा कि क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे मैंने अपनी रूट सर्च करके आपको दिखाई, ऐसे ही आप भी करके उसको रिजॉल्व करो। अगर फैमिली के साथ कोई गड़बड़ है, कई बार मेरे को लोग कहते हैं, हमारे मेरे मैंने देखा है, वो कहते हैं कि या जवानी में या शादी करके जब आई थी तो घर में बहुत झगड़ा होता था या डांटते थे, अब वो डर अंदर बैठा हुआ है, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। लेकिन समझना आपको पड़ेगा कि मैंने कैसे किस सिचुएशन से डिटैच होना है। अगर आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लोगों से बातचीत नहीं करनी आती, अपनी बात नहीं रखनी आती, तो एटलीस्ट आप थोड़े समय के लिए दूरी बना लो जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते। कोई मन में उसके प्रति वैर ना रखो, उसको गुड वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन दो कि ठीक है, जो तुम्हारी सोच है तुमको मुबारक, मैं अपनी सोच में खुश हूँ। तो वो अपने आप को उस तरफ लगाओ जिधर आपका मन जाता है, अच्छा लगता है आपको। और ये तो है नहीं हर चीज़ बुरी लगती है, हज़ार चीज़ें करके देख लो, उसमें दो चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आपको सुकून देंगी, आपको अपलिफ्ट करेंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता, फिर एटलीस्ट मेरी सजेशन मानो, योग, मेडिटेशन और डेली रूटीन के कुछ चीज़ें सेट करो। चाहे फिर वो मछलियों के पास जाके बैठना किसी सरोवर के किनारे, चाहे फिर वो, क्योंकि आपको ही देखना है कि मैंने कैसे नेचर के साथ जुड़ के, पौधे लगा लो घर में, उनकी सेवा करो, 10 20 50 फूलों के पौधों का शौक डाल लो कि मैंने इस बार जब ये महीना आएगा ये 50 तरह के फूल अपने घर में लगाने हैं, उस पे काम करो, आपको इतना सुकून मिलेगा, आप कहोगे जिंदगी बन गई। तो ये थी काउंसलिंग में आपकी कर रहा था डर के ऊपर, फियर के ऊपर। बाकी अल्टीमेट यही है कि जो मालक की शरण में चला गया, जिसके मन में सिद्धक आ गया, समर्पण आ गया परमात्मा के प्रति कि मेरा बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी डोर उस परमात्मा के हाथ में है, जिसने उसको भजा भज लिया, भजन कर लिया, जिसने उसकी बंदगी कर ली, उसकी अब जिसने परमात्मा की जिक्र कर लिया बैठ के, वो व्यक्ति इस फियर में नहीं आता, वो फियरलेस हो जाता है। फियरलेस तभी हो सकता है जब फियरलेस का भजन करोगे, उसका याद करोगे। खैर ये चीज़ें सबके समझ में भी नहीं आती परमात्मा वाली, तो मैं आपको साथ में एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बता दूं कि आयुर्वेद में ब्रह्म रसायन नाम से एक च्यवनप्राश आता है। च्यवनप्राश एक अलग होता है, लेकिन ब्रह्म रसायन करके एक चटनी आती है, जैम सी होती है। उस ब्रह्म रसायन को आप एक चम्मच सुबह, एक चम्मच रात को चाट लो, सुबह रात लेके घंटा कुचना लो, बाद में 10 मिनट बाद अगर चाहते हो तो उसके 10 मिनट बाद दूध भी पी सकते हो। एक टाइम पीना, एक टाइम, दो टाइम तो पीना, दो टाइम, तो ये जब दिल करे ले लो, सुबह या रात या दोनों टाइम, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये दिमाग को ताकत देगा, दिमाग की शक्ति बढ़ाएगा, जो डर डर के अंदर अंदर के आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, परेशान कर लिया है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इंसान जितना ज़्यादा दिमाग से डरा हुआ होता है, मैंने कई बार देखा है छोटे बच्चे को ज़ोर से डरा दो तो पेशाब कर देता है, क्योंकि उसका अपने से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम जितना ज़्यादा डर लेते हैं, हमारे अंदर से शरीर ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्रह्म रसायन उसमें आपको ताकत देगा। बेशक अगर आपको डिप्रेशन है या डिप्रेशन की मेरी वीडियोस देख के आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म रसायन साथ में उसके ऐड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि मैंने ब्राह्मी घृत भी बताया था डिप्रेशन वालों को, तो अगर वो ब्राह्मी घृत ले रहे हैं तो ब्रह्म रसायन ना लें, अगर वो ब्राह्मी घृत रात को ले रहे हैं तो ब्रह्म रसायन फिर सुबह लें, ऐसे कर लें, एक चीज ले लें, क्योंकि इसमें भी घी होता है, इसमें भी बड़ी औषधियां होती हैं, ब्रह्म रसायन बड़ा अच्छा है। ये तो बातें हो गई आपकी फियर के ऊपर। अगली बार फिर मैं आपको कुछ रूटीन की चीज़ें दूंगा जो आपके अंदर की ऐसी नेगेटिविटी को निकालेंगी और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप फियर से बाहर आ जाएंगे, आप परेशानी से, उलझन से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने जीवन में सीखा होगा कि मेरे को, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना। मैं आपसे फीस नहीं मांगता, बस इम्प्लीमेंट ज़रूर करना और करके मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप मुझे बताते हो ना तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मैं आप सबसे एक दूर रहते हुए भी आपसे जुड़ता हूँ, और फिर आगे मैं भी उससे, मेरी भी रिसर्च बढ़ती है, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये ट्रीटमेंट दिए, लेकिन अब आप जब करेंगे आपको और ज़्यादा अलग तरह के उसमें अनुभव आएंगे।
तो आपका क्या अनुभव है अपनी लाइफ को लेके, आप क्यों डरते हैं, कैसे, अपना भी आप कैलकुलेशन करो और फिर मुझे जरूर बताना कि आपने क्या निकाला अपना रिजल्ट, कि आपके डर का या आपकी प्रॉब्लम का रूट कहाँ है। आप रूट निकालना सीख लो बस, फिर अपने आप उसका ट्रीटमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।